नमस्कार, आज हम आपको पैनासोनिक ऑटोमेटिक राइस कुकर का रिव्यू दिखाएंगे, वो भी हिंदी में। इस मॉडल का नाम है GE9। इसको हमने 2 महीने यूज किया है। हमने सोचा पहले 2 महीने यूज कर लें, उसके बाद आपको बताएं कि क्या काम करता है क्या नहीं काम करता। देखिए, इसके बॉक्स में लिखा है मल्टी कुकिंग 2.7 लीटर कैपेसिटी, थर्मोस्टेट फॉर प्रीसियस कंट्रोल, जापानी टेक्नोलॉजी, स्कूप होल्डर। ये जापानी टेक्नोलॉजी है, यहाँ 5 ईयर वारंटी है, सिर्फ हीटर के लिए, पूरे कुकर के लिए नहीं, इसमें लिखा है हीटर के लिए। पावर सेविंग बाय ऑटो कट ऑफ। अब हम इसका स्पेक देखते हैं। मैन्युफैक्चर्ड बाय पैनासोनिक अप्लायंसेज, ये चेन्नई में बना है, ये इम्पोर्टेड नहीं है, चेन्नई में बना है। ये चेन्नई में पैनासोनिक की फैक्ट्री है। 230 वोल्ट 450 वाट लिखा है इसमें, देखिए 230 वोल्ट 450 वाट 50 हर्ट्ज। GE9 2.7 लीटर ये कैपेसिटी है इसकी। टोटल यूनिट का वेट है 2.2 kg 1 यूनिट। इसके 7 आइटम है, कुकर, स्कूप, कुकिंग प्लेट, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। अब हम कुकर दिखाते हैं आपको। अब ये राइस कुकर है, इसमें कवर है, लिड है, ये स्टील का है, ये प्लास्टिक की है, इसके अंदर एक प्लेट है, ये एल्यूमिनियम की है। इस प्लेट को ऐसे रखते हैं हमेशा। और ये बर्तन है अंदर कुकर के, ये 2.7 लीटर का है। इनके हिसाब से, मैनुअल के हिसाब से। अब हम कुकर देखते हैं। ये स्विच है, नीचे स्पेक लिखे हैं इसके। अभी देखिए, इसमें बीच में ये है, ये लॉक सिस्टम है। अगर ये दबता है, अगर इसके अंदर हम कोई बर्तन नहीं रखते तो ये ऑन नहीं करता, ऑन कर देते हैं तो ऑफ हो जाता है। अभी देखिए, कोई बर्तन नहीं रखा है और इसको हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये सिग्नल आता है और फिर ये ऑफ हो जाता है। ये देखिए, ये ऑफ हो जाता है स्विच ऑटोमेटिक। अब हम इसको दबाते हैं, वेट करते हैं, देखिए परमानेंट ऑन हो गया ये। अब ये जो अंदर आप देख रहे हैं, ये जब हम बर्तन रखते हैं और गर्म करते हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा काला सा हो जाता है। और ये जो बर्तन है जिसमें हम राइस पकाते हैं, आप देख रहे हैं एकदम साफ है, लेकिन जब हम राइस पकाते हैं इसमें या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो यहाँ पे नीचे काला काला हो जाता है। मगर वो काला काला जो बर्तन हो जाता है वो साफ हो जाता है, इसीलिए एकदम साफ आपको नजर आ रहा है। अब हम इस क्लाइंब मीटर से इसी करंट मेजर करेंगे। हम ऑन करते हैं इसको, देखते हैं कितनी करंट फ्लो करती है। 2.22 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है इसमें। हमने ऑफ कर दिया इसको। अब हम इसका रेजिस्टेंस में जा करेंगे जिससे कि पावर कैलकुलेट हो सके। इसका रेजिस्टेंस आ रहा है करीब करीब 113 ओम। अब 230 वोल्ट की इसकी रेटिंग है तो 230 × 230 / 130 ओम ये आता है 468 वाट। मगर रेटिंग डब्बे पे लिखी है 450 वाट, तो रेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। हम इसका साइज मेजर करके दिखाएंगे आपको। पहले टोटल कुकर का साइज मेजर करते हैं। ये देखिए, करीब 8.5 इंच है इसका डाया, और ये है करीब 6 इंच। अगर यहाँ तक लें तो करीब 7 इंच आता है। और ये पैन का डाया है करीब 8.25 इंच।
और ये है करीब 5 इंच, ये 2.7 लीटर का है। ये स्क्रू फोल्डर है, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। ये बढ़िया अरेंजमेंट है। अब यहाँ बॉक्स में लिखा है मल्टी कुकिंग, इसमें क्या क्या कुक हो सकता है बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है सूप बना सकते हैं, हलवा, खीर, नूडल्स, राइस, स्टीम डिशेस, इतने आइटम इसमें बना सकते हैं। ये इसका मैनुअल है, इसमें लिखा है ये 2.7 लीटर टाइप का है हमारा, उसमें राइस क्वांटिटी 3 कप बना सकते हैं, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। 1 कप का मतलब है 180 ml, मतलब टोटल 540 ml राइस हम इसमें बना सकते हैं, और उसमें पानी 6 से 7 कप डाला जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि पुलाव बन सकता है कि नहीं। हम इसमें आपको पुलाव बना के दिखाएंगे जिस तरह हम बनाते हैं, और देखेंगे कि पुलाव कैसा बनता है और नीचे बर्तन जलता है कि नहीं। इसमें पानी डबल लिखा है, लेकिन हम लोग पानी 3 गुना डालते हैं। हम 200 ग्राम राइस में 600 ml पानी डाल के आपको पुलाव बना के अभी दिखाएंगे। देखेंगे कि इस कुकर में पुलाव कैसा बनता है, पुलाव बन जाता है ठीक के नहीं, वो पुलाव बनने के बाद नीचे का बर्तन काला होता है कि नहीं। हमारा ऑब्जेक्ट पुलाव बनाना दिखाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि ये कुकर पुलाव बनाने के लिए ठीक है या नहीं है। अब हमारे पास 200 ग्राम चावल हैं, ये प्री वॉश्ड हैं, 200 ग्राम राइस, इसको हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद ये वाटर है, ये 600 मिली वाटर है, 600 मिली वाटर। ये वेजिटेबल हैं, आलू है, मटर है, कैरेट है, गाजर, आप अपनी मनपसंद की वेजिटेबल डाल सकते हैं। ये भी हमने इसमें डाल दी। ये मसाला है, पुलाव मसाला घी में तला हुआ, वो भी हम डाल देते हैं इसमें। ये डाल के हमने इसको ढक दिया, अभी नमक बचा है, नमक भी डाल देते हैं। अब हमने इसको ढक दिया, बस हो गया काम। ये घड़ी है, हम घड़ी में देखेंगे कि इसमें कितना टाइम लगता है बनने में। इसमें घड़ी में बज रहा है 8:47। अब हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर दिया, अब जब ये बन जाएगा तब हम देखेंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, ये खोल रहा है, इसमें एक होल है यहाँ पर, उस होल से भाप निकल रही है, साइड से भी भाप निकल रही है। जब ये बन जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। ये ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, मतलब ये बन गया है। अभी 9:18 हो रहे हैं, मैं नोट कर लेता हूँ। अब हम 10 मिनट बाद इसको ओपन करेंगे, मैनुअल में ऐसा ही लिखा है, 10 मिनट तक ये ऐसा ही रहेगा। इसको करीब लगे ये आधा घंटा लगा। दस मिनट हो गए, इसको बनाने में 31 मिनट लगे थे, और 10 मिनट वेट करने में लगा, टोटल 41 मिनट लगा। अब हम इसको खोल रहे हैं, खोलो, देखिए कैसा बना है पुलाव, देखिए आप कैसा बन गया, बड़ा बढ़िया बना है, खाने का मन कर रहा है। अब इसको हम पलट के देखेंगे बर्तन में, बर्तन में हम डाल देंगे इसको पलट के। देखिए हम बर्तन से निकाल के एक बर्तन में डाल रहे हैं दूसरे, फिर हम दिखाएंगे कि इसके अंदर का बर्तन जला कि नहीं जला।
भी निकाल लें। इसके अंदर की प्लेट है, हम प्लेट भी निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा इसमें काला हो गया है, इसमें काला हो गया है, लेकिन ये बाद में धुल जाता है। ये पानी हमने 200 राइस में 600 ml डाला था। अगर पानी कम ज़्यादा डालते हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा काला हो जाता है ये, ठीक है। अब ये राइस देखिए कैसा बना पुलाव, हमारा पुलाव फर्स्ट क्लास बना है। इसको देखिए, हम आपको पास से दिखाते हैं पुलाव। कैसा बना है, इसमें और नॉर्मल कुकर में एक अंतर है। इसमें खाली बर्तन में पानी डालते हैं जिसमें बनाते हैं, अंदर नहीं। नॉर्मल कुकर में अंदर भी पानी डाल देते हैं, तो अंदर कोई पानी नहीं डालना है इसमें। धन्यवाद।